गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे से होंगे। तो देखिए, आज हम आपको वचन नामक पाठ से पेज नंबर 30-31 एक्सरसाइज करवाएंगे। अपनी अपनी बुक खोल के देखेंगे। एक वचन और बहुवचन के शब्दों को अलग करके लिखना है। बादल बनाया गया है, उसमें एक वचन और बहुवचन है, उसको अलग अलग करेंगे। माला, शेर, पतंग, चीज क्या है? एक वचन है। दवाइयां, किताबें, भाषाएं, गायें, ये शब्द क्या है? बहुवचन में लिखना है। तो एक पर आप टिक लगा लीजिए, फिर लिख लेंगे हैं। दूसरा देखें, दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। रानी का क्या हो जाएगा? वचन बदलना। रानी शब्द का रानियां, रुपया का रुपये, चूहिया का चूहिया, मिठाइयां का मिठाई, चिड़िया का चिड़िया, केले का केला, इन शब्दों के वचन चेंज करने हैं। आगे देखें, उचित शब्द द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। खेल रही हैं लड़की या लड़कियां। लड़की होता तो लिखते लड़की खेल रही है, और लड़कियां हैं तो क्या लिखा? लड़कियां लिखा जाएगा, इसलिए यहाँ खेल रही हैं। इसमें क्या रहेगा? लड़कियां रहेगा। आसमान में अनेक हैं, तारा है कि तारे हैं? क्या रहेगा? अनेक तारे हैं, बहुवचन रहेगा। पेड़ पर चढ़ गई, लता चढ़ गई कि लताएं चढ़ गईं? पेड़ पर लताएं चढ़ गई। क्या रहेगा यहाँ पे? लताएं चढ़ गई। मेरे मामा जी यहाँ, मेरे मामा जी डांट डांट लाए हैं। क्या लाए हैं? मामा जी को रिस्पेक्ट में हम आदर पूर्वक जब कहेंगे तो यह बहुवचन हो जाएगा। मेरे मामा जी फल लाए हैं, यहाँ पे एक वचन फल रहेगा। डांट डांट पानी में रहती हैं मछलियां की मछली है ना, तो मछलियां रहेगा, मछलियां।